नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाउ। मैं हूं आपके साथ आदित्य। मुजफ्फरपुर में चल रहे सट्टाबाज केंद्रों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर सूचना को सत्यापित करने पहुंची पुलिस द्वारा 3 सट्टाबाज गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के ASP अवधेश दीक्षित क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। को लेकर के पिछले कुछ टाइम से लगातार नगर एरिया में जितने भी अलग अलग जुआ और सट्टे के सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पर लगातार लोग जुआ और सट्टा खेलते हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले भी 2 बार रेड की गई है और कल भी 2 अलग अलग जगह पर रेड की गई थी, जिनमें से एक नगर थाने में ही कुंडल करके जगह है जहाँ पर रेड किया गया था। उधर से 20-22 लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के क्रम में सब लोगों को पकड़ा गया, लेकिन स्थानीय लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए और उसको जितने भी लोगों को पकड़ा गया था सबको लेकर के भाग निकले। लेकिन वहाँ पर जो जुआ चल रहा था उसमें 2,94,000 रुपये थे, उनको सबको रिकवर किया गया और 22 फ़ोन, जितने भी लोग सब जुआ खेल रहे थे सबके फ़ोन को भी रिकवर किया गया है और उसी के बेसिस पे FIR किया गया है। ये कुंडल वाला मैटर था। सेकेंड जो मैटर है वो है जिला स्टेशन रोड पे ही, स्टेशन के सामने जिला परिषद का भवन है, वहीं उसी के पास में एक छोटी सी झोपड़ी लगा करके एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कुमार है और दूसरे का नाम विनय कुमार चौधरी है, संतोष कुमार उर्फ विक्की है, ये दोनों एलिजली ये लोग बहुत टाइम से, बहुत सालों से पूरे मुजफ्फरपुर एरिया में, मुजफ्फरपुर टाउन एरिया में अपने सेंटर चलाते हैं और इन्हीं के कम से कम 20 से 25 सेंटर हैं जो इन्हीं के अलग अलग थानों में, मिठनपुरा, ब्रह्मपुरा, काजी मोहम्मदपुर में चलते हैं। तो पुलिस काफ़ी टाइम से इन लोगों पे नज़र रखी हुई थी और इनके बारे में इनपुट कलेक्ट हम लोग कर रहे थे। तो कल सूचना मिली कि ये लोग जो पूरा कल का पूरा पैसा वैसा कलेक्ट करके, क्योंकि कल 1 तारीख था तो पूरे महीने का अलग अलग जगह से सेंटर से कलेक्ट करके और एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, तो उसी के आलोक में इनकी जगह पर रेड किया गया। तो वहाँ से हमें कई सारे चार्ट्स मिले, जो लॉटरी वाला चार्ट रहता है और जो चालान रहता है इन लोगों का, काफ़ी सारी चालान की बुक्स मिली हैं और 21,000 रुपये के आसपास में पैसा बरामद हुआ है और 3 लोगों की उसमें अरेस्टिंग की गई है। तीनों लोकल रहने वाले हैं, तीनों यहीं के हैं, तीनों लोकल ही रहने वाले हैं। कब से ये लोग चला रहे हैं? ये लोग बहुत सालों से चला रहे हैं, इन लोग 20-25-30 साल इन लोगों को हो गए हैं चलाते, बहुत सालों से ये लोग सट्टे का काम कर रहे हैं। और अभी इनके अलग अलग सेंटर हैं, मिठनपुरा में भी है, बेला में भी है, ब्रह्मपुरा में भी है और काजी मोहम्मदपुर में भी है। तो अलग अलग जहाँ पे सेंटर हैं उन सब लोगों के सब लोगों का नाम नोट कर लिया गया है और सब लोगों पे भी अलग से रेड करके और इंश्योर किया जाएगा कि जितना भी नगर अनुमंडल का एरिया है उसको सट्टा मुक्त या सट्टा फ्री किया जाए। इसका कोई सरगना भी है क्या? सरगना इसका विनय चौधरी है, विनय चौधरी के ही सबसे ज़्यादा सेंटर विनय चौधरी के ही चलते हैं पूरे मुजफ्फरपुर एरिया में और वही सारे सेंटर्स को बंगाल से या फिर सिक्किम से कोऑर्डिनेट करके और नंबर हर एक घंटे में नंबर निकलवाता है और उसी पे सट्टा खिलवाता है और हर सप्ताह में और महीने में एक बार इनका कलेक्शन होता है। जय माता दी JMD करके इनका एक ग्रुप चलता है, जय माता दी सट्टा ग्रुप, उसी में अपना लॉटरी निकलवाता है। कलेक्शन सेंटर एक था या इससे अधिक भी शहर में? कलेक्शन सेंटर का तो एक इसका ऑफिस है जो बालूघाट में है, वहाँ पर भी रेड किया गया था तो उधर से भी हमको कई सारी चिट्स और वो सब मिला है। मेन ऑफिस इसका बालूघाट में था, वहाँ पे रेड किया गया। कल वाले में सर कितने लोग FIR हुए? कल वाले में जितने लोगों का फ़ोन हम लोगों ने बरामद किया है, सीज किया है, उन सब पे FIR किया गया है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो चिन्हित किए गए उन पर भी FIR किया गया है। कुछ अरेस्टिंग वगैरह? अरेस्टिंग नहीं हो पाया है। तो आप सुन रहे थे टाउन ASP अवधेश दीक्षित क्या कुछ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिला था जिसमें सूचना के सत्यापित करने पहुंची पुलिस द्वारा 3 सट्टाबाज गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जिसके मुख्य आरोपी विनोद चौधरी को भी जो है पुलिस गिरफ्तार कर लिया। वही लगातार जो है मुजफ्फरपुर में सट्टाबाज को मुक्त बनाने के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है। तो इसी तरह खबर के साथ देखते रहिए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का वही विश्वसनीय वैशाली पेस्ट्रीज अब नए अवतार में एक बार फिर से आप सभी की सेवा को तैयार है। यहाँ मिलेगा आपको मिठाई, केक, स्नैक्स, पेस्ट्री, बर्थडे आइटम्स की विशाल रेंज।
हमारा पता है दाऊदी मार्केट, मोती झील, मुजफ्फरपुर।